हेलो फ्रेंड नमस्कार, गुड मॉर्निंग, मु प्रभाकर। आपण देखुछंती ओडिया शक्ति टीवी। आज जुलाई 16 तारीख, चलंतु जानि नबा आज दिनर सबकिछि टॉप न्यूज अपडेट। देश विदेश ठू आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानिपारे, से आपंक अनुरोध भिडटी शेष जाए निश्चय देखिए, भिडियो को लाइक करेंगे, जहाद्वारा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट जानिपारे। खबर महान संग्रामी वीर सुरेन्द्र साय जन्मस्थान संबलपुर खिंडार विकाश हो एक पर्यटन स्थल भाव गढ़ी तोलवाई मुख्यमंत्री नवीन पटनायक निष्पत्ति नहीं 6,41,00,000 टंका अनुमोदन करिसंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बोली खबर मिली। परवर्ती खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं यूएई राष्ट्रपति वाणिज्य चुक्ति स्वाक्षरित होई, फलर यूएई सह वाणिज्य कारोबार को 50 रु 100 बिलियन डॉलर को वृद्धि करा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा करथिबार खबर मिली। परवर्ती खबर, ओडिशार 6 जिले में स्थापन हबो स्वयंचालित पानीपाग केन्द्र। राज्यर भद्रक, बालेश्वर, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, केन्दुझर और मयूरभंज जिलार 9 स्थान में यह स्वयंचालित पानीपाग केन्द्र स्थापन करसह 8 बात्या पवन बेग मापिबा केन्द्र स्थापन हबो बोली मोदी सरकार निष्पत्ति नहीं खबर आसी। परवर्ती खबर, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जोगदेवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण आफ्रिका जिबे। एही सम्मेलन में रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भेटिबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोली खबर मिली। तासहित दुहिंक मध्यरे बेस किछि गुरुत्वपूर्ण आलोचना हबो बोली जणा पड़िछि। खबर, ओडिशा रे खरीफ धान संग्रह आसंता नवेम्बर 1 रु 31 मार्च 2024 मध्यरे परिचालित हबो, सेथिपाई राज्य रे खरीफ धान संग्रह पई काली ठारु चाषी नाम पंजीकरण प्रक्रिया आरंभ होइथिबार खबर मिली। एथिपाई समस्त आग्रही चाषी निकटस्थ कृषि समवाय समिति महिला स्वयं सहायक गोष्ठी पानी पंचायत रे नूतन पंजीकरण फॉर्म संग्रह करिवे ओ ताहा पूरण करी आज ठारु आसंता मास 16 तारीख मध्य आवेदन करिपारिबे बोली खबर मिली। प्रति खबर, 15 तारीख रु 10म ओ द्वादश पिलांक परीक्षा हबो, सेबडे सीबीएसई 10म ओ द्वादश परीक्षा 2024 फेब्रुवारी मास 15 तारीख रु आरंभ हबो। एने सीबीएसई बोर्ड पक्षर घोषणा करा जायछि फेब्रुवारी 15 तारीख रु आरंभ होई परीक्षा एप्रिल 10 तारीख पर्यंत चलिबो बोली खबर मिली। परवर्ती खबर, कथा दे कथा रखिले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक झलसिब नवरंगपुर जिलार विभिन्न ऐतिहासिक पीठ जिलार 7 प्रकल्प पई 21,88,00,000 टंका मंजूर करिसंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बोली खबर मिली। परवर्ती खबर, आबुधाबी रे आईआईटी दिल्ली कैंपस प्रतिष्ठा पई बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उपस्थिति रे एही बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होई। यहाद्वारा भारतर शिक्षार अंतर्जातीयकरण दिगरे एक नूतन अध्याय आरंभ हो बोली जना पड़ी। प्रति खबर, ओडिशार समस्त स्वयंशासित कॉलेज और विश्वविद्यालय गुड़िकरे समर्थ पोर्टाल कार्यक्षम हब, फलरे नामलेखा ठारु आरंभ करी शिक्षानुष्ठानर समस्त तथ्य बलका सीट गवेषणा संपर्कित तथ्य आदि एथिरे मिली पारिब। एथिनिमते नोडल ऑफिसर ओ सहायक नोडल ऑफिसर को निजुक्ति देबे केंद्र सरकार बोली खबर मिली। प्रति खबर, मौसुमी वर्षा प्रभाव में खसिला इलिशी माछ दर 250 टंका रे बोहिनेले लोक, सेबडे वर्षा लागि रहिथिबारु एबे इलिशी माछ दाम ह्रास पाइछि। पूर्वरु 650 टंका रे विक्रय होउथिबा इलिशी माछ एबे 250 टंका रे विक्रय होउथिबार खबर मिली। ते खबर, थरीब शत्रु देश कारण भारत ओ फ्रांस मध्यरे बड़ प्रतिरक्षा चुक्ति स्वाक्षरित होई। प्यारिस रु नुआ दिल्ली को मिलिब 3 बुड़ाजहाज, बुड़ाजहाज आसीबा फलरे भारतीय नौसेना आहुरी शक्तिशाली हबो बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रतिरक्षा मंत्री सूचना देथिबार खबर मिली। परवर्ती खबर, अक्टोबर 5 रु नवेम्बर 19 तारीख मध्य दिनिकिया विश्वकप शेष होबा परे भारतीय दल डिसेंबर मासरे दक्षिण आफ्रिका गस्त करिवो। एही गस्तरे भारत एक पूर्णांग सीरीज खेलिवो बोली खबर मिली। 3 टी20 3 टी दिनिकिया एवं
2 टेस्ट मैच सामिल होई सीरीज डिसेंबर 10 तारीख रो आरंभ हो बोली बीसीसीआई पक्षर सूचना दिया खबर आसी खबर जदि आपण रेल विभाग में चाकरी करने को चाहती तेबे आपण आसी सुवर्ण सुजोग 1104 पदवी पर विज्ञप्ति प्रकाश पाई आवेदन प्रक्रिया आरंभ हो सारी बेले आवेदन करार शेष तारीख अगस्त 2023 रही प्रार्थी माने ऑफिशियल वेबसाइट को जाई आवेदन करें दशम एवं आईटीआई पास करते से माने एबे आवेदन करें खबर मिली। परवर्ती खबर ओडिशा रे प्रबल वर्षा हाब समस्त जिलापा और महानगर निगम कमिशनर को सतर्क रही एसआरसी निर्देश देती समस्त क्षेत्र स्तरीय ऑफिसर और कर्मचारी को हेडक्वार्टर न छाड़ापी निर्देश देती ओडिशा सरकार बोली खबर मिली। आज नवरंगपुर कोरापुट कलाहांडी कंधमाल नयागढ़ खोर्धा कटक पूरी जगत सिंहपुर गंजाम जिले में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हाब ता सहित अन्य जिले में स्वल्पर मध्यम धरण वर्षा हाब बोली भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र सूचना दी जमापड़ी। परवर्ती खबर सुलभ मूल्य मिलिबो अभड़ा आनंद बजार लगे महाप्रसाद रेड चार्ट सेबड़े आनंद बजार अणसुआर को चिन्हट कर बाहर कर भक्तों पर महाप्रसाद चार्ट लगाजिब भक्तों पर पर्याप्त पानी जल जोगाई देवाई मंदिर प्रशासन निष्पत्ति नहीं खबर मिली। प्रति खबर मोदी सांगिया मंतव्य मामलें कांग्रेस नेता राहुल गांधी वर्तमान 2 वर्ष दंड विरोध में सुप्रीम कोर्ट को द्वारस्थ होती दंडादेश रोक लगवाई कांग्रेस नेता सुप्रीम कोर्ट रे आवेदन करथिबार खबर मिली। प्रति खबर चलित बर्ष अमरनाथ यात्रा आरंभ होबा पर ठारु अनेक तीर्थयात्री मृत्यु घटी सूचना अनुजाई गत 26 घंटा मध्य आउ 5 जन अमरनाथ यात्री मृत्यु घटिथिबार खबर मिली। जारी परे चलित बर्षर यात्रा रे मृत्यु संख्या 24 को वृद्धि पाइथिबार खबर आसी। प्रति खबर कॉर्पोरेट जगत रे महिला कर्मचारी संख्या दिन को दिन वृद्धि पाउची केवल साधारण कर्मचारी नुहे वरिष्ठ और नेतृत्व स्तर रे मध्य सेमानक संख्या बढ़ुची 2021 परे एही प्रक्रिया अधिक त्वरान्वित होईची। कॉर्पोरेट जगत श्रम शक्ति रे महिलांक अंश 50% पाखापाखी वृद्धि पाइथिबार खबर मिली। परवर्ती खबर सबु प्रतीक्षार घटिला अंत 28 तारिख रे मिलिबो किसान योजनार 2000 टंका मोदी कले बड़ घोषणा आपण को मिलिबो कि नाही जानि नियंतु कारण देशर कोटि कोटि चाषी भाई माने अपेक्षा करी रही थिले केबे मिलिबो किसान योजनार 14 किस्तीर 2000 टंका एवं सरकार चाषी को 2000 टंका प्रदान करिवे बोली गवर्नमेंट वेबसाइट रे अपडेट देइचंती आपण पीएम इवेंट वेबसाइट रे जाई देखि पारिबे आपण देखुदिबे वर्तमान सरकार तरफ रु कहा जाइछि जे किसान योजनार 14 किस्तीर 2000 टंका जुलाई 28 तारीख दिन 11 प्रदान करा जिबो एही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशर 8.5 कोटी चाषी भाई बैंक खाता को 14 किस्तीर 2000 टंका डीबीटी माध्यम रे प्रदान करिवे तारीख फाइनल होईची। ता सहित जदि आपण किसान योजना रे टंका पाइबा को चाहूचंती ए पर्यंत ईकेवाईसी पूरण करिनाहंती जल्दी ईकेवाईसी पूरण करनियंतु ता सहित जो माने निज बैंक खाता रे आधार कार्ड को लिंक करनाहंती से माने जदि लिंक न करिवे से मानको मध्य किसान योजना टंका मिलिबो नाही बोली सरकार तरफ स्पष्ट करा जाइथिबार खबर मिली। अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई 28 तारीख दिन 11 ओडिशार चाषी ठू आरंभ कर देशर सबु चाषी भाई बैंक खाता को किसान योजनार 2000 टंका प्रदान करिवे बोली गवर्नमेंट वेबसाइट रे स्पष्ट करथिबार खबर मिली। परवर्ती खबर सारा देश में 1136 जन विधायकों विरोध में रही गभीर अपराधिक मामला एडीआर रिपोर्ट रु हेला बड़ खुलासा सेबड़े आगक आसुची लोकसभा निर्वाचन एथस चलित बर्ष 5 राज्य विधानसभा निर्वाचन होबार अछि मध्यरे 1136 जन बा पखापाखी 28% विधायकों विरोध में गंभीर अपराधिक मामला रही खबर मिली। परवर्ती खबर सीमा बिवाद प्रसंगे भारत सह बुझामणा चाहूनी चीनी खुलासा कले चीनी अधिकारी सेबड़े
ଦିନକୁ ଦିନ ଭାରତ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ବିବାଦ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗୁଛି। ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚୀନ କୌଣସି ବୁଝାମଣା କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଚୀନ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଏହି ଖବର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛି। ବନ୍ୟା ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କଲେ ସରକାର। ସେପଟେ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ଅଚାନକ ବନ୍ୟା ଭଳି ସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଅଚାନକ ବନ୍ୟା ଓ ଜଳବନ୍ଦୀ ଜନିତ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଏବେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଛାଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଦିଲ୍ଲୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛି। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲଗାତାର 5 ଦିନ ଜାରି ରହିବ, ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାକୁ। ରାୟପୁରରୁ ଆସିବ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜି। ସଫଳତାର ସହ ରାୟପୁରରେ ସମାପନ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। July 14 and 15 2 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜି, ମିଳିବ ହଜାର ହଜାର ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପ୍ରତି ଖବର ଉମାଦେବୀ କନିଷ୍ଠ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ। କ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ କୋଠାକୁ ଯିବ ଜୁନିୟର କଲେଜ। ସେପଟେ ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିଠାରୁ ଜୁନିୟର କଲେଜକୁ ପୃଥକ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏବେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଚାଉଳ ବଦଳରେ ମିଳିବ ଟଙ୍କା, ସରକାର କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚାଉଳ ଗହମ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଏବେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଚାଉଳ ବଦଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କିଲୋ ଚାଉଳ ପାଇଁ 34 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସରକାର। 5 କେଜି ଚାଉଳ ପାଇଁ 170 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଶାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଚାଉଳ ବଦଳରେ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଖବର ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ବିଜୁଳିରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ମନ୍ଦିର, ଖସି ପଡ଼ିଲା ଦଧି ନଉତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଉସୀମା ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଦଧି ନଉତି କାଲି ଖସି ପଡ଼ିଛି। 60 ଫୁଟ ଏହି ମନ୍ଦିର ଦଧି ନଉତି ଖସି ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋବାଇଲ ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା କହିବା ବିଳମ୍ବିତ ହେଉଛି, ରିପୋର୍ଟରୁ ହେଲା ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ସେପଟେ ଏବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପିଲାମାନେ କଥା କହିବାରେ ବିଳମ୍ବିତ ହେଉଛି ଅଥବା ଆଦୌ କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭାପୁର ବ୍ଲକ ସମେତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏପଟେ ବାପା ମାଆ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ ସମୟ ଦେବା ଓ ପିଲାଟି ଅଝଟ ହେଲେ ତାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଦେଉଥିବାରୁ ପିଲାଟି ମୋବାଇଲ ନିଶାରେ ଅନ୍ୟ କାହା ସଙ୍ଗେ କଥା ହେଉନି, ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ତାହା ସହିତ ବାପା ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଦେବା ପାଇଁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ବୋଲି ଖବର ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। 2015 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏବେ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ାଯିବନି ସ୍ନାତକ ଓ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, କାରଣ ନାକ ସ୍ୱୀକୃତି ନଥିବାରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ UGC ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2024 ବିଧାନସଭା ଓ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ନେଲା କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ କଟକ ବିଧାୟକ ମୁକିମ ଓ ଚିରଞ୍ଜୀବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଯୋଜନା, ଅବସର ପରେ ବି ବାହାରେ କିଛି କହିପାରିବେନି IAS IPS IFS ଅଫିସର ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଯଦି ବାହାରେ ସେମାନେ କିଛି କହିବେ ସେମାନଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ ହେବ ବୋଲି ସରକାର ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶାସନର ଅଂଶ ହୋଇ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶାସନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଭାଷଣ ଛଳରେ ପୁଣି ଥରେ ଅଫିସର ରାଜକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି
ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଫଳରେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଏବେ ଗୋଳଘାଣ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାର ଖବର ଆସିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରିବେ ସମସ୍ତେ। ଆଜି ଦିନର ସବୁକିଛି ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିପାରିବେ।